दोस्तों नमस्कार। चलिए हम एक और बेहतरीन गुफा के दर्शन कराते हैं आपको, पीतांबरा गुफा। और ये गुफा बड़ा मेरा के पास स्थित है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बहुत ही जानी मानी गुफा है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। जीना से ये हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 10 फीट का ये रास्ता है और नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन दृश्य आप देख पा रहे होंगे मोबाइल में। दो गुफा देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और भव्य ये गुफा। ऊपर से इतना दुर्लभ और दुर्गम क्षेत्र समझ में आ रहा है, इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। धीरे धीरे चलना है, बैलेंस बना के उतरना है, क्योंकि सीधा बिल्कुल 90 डिग्री का ये ढलान है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। कुछ दर्शनार्थी नीचे जा रहे हैं और बैठ बैठ के चलें, अगर दिक्कत जा रही हो तो बैठ बैठ के चलें। किनारे से चलो, थोड़ा सा देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल उसमें वो कोताही ना बरतें, हिसाब किताब से चलें। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ का बिल्कुल ए टू जेड आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का दृश्य देखिए, ऊपर से देखिए, पूरा पहाड़ों से ढकी हुई ये गुफा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। ये जीना है, लगभग 70 से 80, 100 के लगभग ये जीना होंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे तक। ये देखिए, और ये हम लोग प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। और बहुत ही बेहतरीन ये गुफा देखिए दोस्तों, मैं भी बिल्कुल हाथ टेक टेक कर इस गुफा में प्रवेश कर पा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बस थोड़ी सी साफ सफाई का बहुत ज्यादा अभाव समझ में आ रहा है। अभी पानी गिरा है तो ये पूरा यहाँ पे टूट फूट हो ज्यादा हो गई है और पानी रिस के नीचे पहुंच गया है दोस्तों। ये देखिए, ये बुंदेलखंड की एक अनमोल धरोहर आप लोगों के साथ में है। और बराबर देखिए, पूरी तरह प्राकृतिक है, यहाँ कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं है। देखिए इसका, और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन। और अब मुझे बिल्कुल ठंडक का एहसास होने लगा है यहाँ पर। मेरी जो उमस लग रही थी हम लोगों को बहुत कम हो गई है और अब ठंडक लग रही है। नहीं नहीं, उतार रहे हम तो पहने, हो जाए तो हो जाए, माता के दरबार में आए। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ऊपर के पहाड़ों की बनावट आपको दिखा रहा हूँ मैं। यही मैं आपको दिखाया हूँ, ये देखिए देखो, नेचुरल है ये, और किसी चीज का प्रतीक चिन्ह समझ में आ रहा है। ये देख पा रहे होंगे आप, किसी हाथी का या किसी पंछी का पंख वगैरह। हाँ, ये देखिए दोस्तों, आप जो भी इस चीज को मान लें वही ये चीज है। और दोस्तों ये देखिए, ये पानी रिस रिस कर पानी आता है, काई वगैरह जमी हुई है, मगर अद्भुत ये गुफा है बुंदेलखंड की दोस्तों। आप जब कभी छतरपुर से बड़ा मलेरा आए तो इस गुफा को जरूर देखें। और यहाँ आने का रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, डिस्टर्ब है, तो आप पता करें रास्ते के बारे में, टू व्हीलर से आ सकते हैं आसानी से। और कोई भी शुल्क नहीं है, यहाँ आने का निःशुल्क है, आप आ सकते हैं परिवार सहित। ये देखिए दोस्तों, अब मैं जीने से खड़े होकर ऊपर दृश्य बता रहा हूँ। हमारे रामगोपाल जी आ रहे हैं नीचे उतर कर। ये देखिए दोस्तों, और बड़े संभल संभल के चलने की आवश्यकता है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं, बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, तल पर आ चुके हैं। अभी और गुफा और है, मैं तो आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए सर, ये गुफा के अंदर गुफा है, अभी हम लोग और प्रवेश करेंगे इसमें, आपको चल के बताएंगे और कितना अंदर है। उससे पहले आप देखिए, ये महादेव, देवों के देव महादेव का ये शिवलिंग, और अद्भुत शिवलिंग है। बिजली की थोड़ी सी व्यवस्था कमजोर नजर आ रही है, मगर अद्भुत है अपने आप में। सफाई की तो कुछ वो ही नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, सफाई ना होने के कारण बहुत ज़्यादा गंदगी है। और मैं अपने मोजे उतार रहा हूँ तो पूरे मोजे खराब हो जाएंगे मेरे। चलिए दोस्तों, ये देखिए पूरी गंदगी गंदगी है, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ,
ये देखिए दोस्तों, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया है और दोस्तों ये देखते जाइए आप, ये सामने एक ये एयर सर्कुलेशन के लिए हिसाब से यहाँ पर कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है अद्भुत चीज़ है। और चलिए हम आपको जीने से नीचे चल के और कुछ दिखाते हैं। रोशनी का बहुत अभाव है, कोई शासकीय कर्मचारी भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई सफाई कर्मी है, फिर भी हम लोग आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आओ गुरुदेव। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडक का एहसास बढ़ता जा रहा है। उमस बिल्कुल कम हो चुकी है, या मैं यूं कहूं कि बिल्कुल उमस रही नहीं है, मगर संभल कर चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल नमी है नीचे पानी गिरने के कारण, या हो सकता है नमी यूं ही रहती हो। आ जाओ गुरुदेव। देखो ये देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये कच्चा पूरा कच्चा आ गया है, जहाँ मिट्टी का एहसास हो रहा है मुझे पैर के नीचे दोस्तों। और ये ऊपर पूरा पहाड़ है, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पहाड़ है और हम गुफा के लगभग लगभग 200 फीट अंदर हैं दोस्तों। 200 फीट अंदर गुफा के हम प्रवेश कर चुके हैं और आप देखिए दोस्तों इस गुफा की महिमा देखिए दोस्तों। यहाँ अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा है और अभी यहाँ पे जो श्रद्धालु और दर्शनार्थी आए थे उनका कोई आता पता नहीं है, वे किस ओर गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे गुरुदेव का भी आए और रास्ता दिखाएं हमें। आइए गुरुदेव। देखो दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और देखिए दोस्तों ऊपर तो आप कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ लगभग लगभग 25 फीट ऊंची यहाँ से इसकी ऊंचाई है, धरातल से 25 फीट इसकी ऊंचाई धरातल की दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। और देखिए दोस्तों ये बनावट देखिए, इन चट्टानों की बनावट देखिए, पानी ने रिस रिस के इन चट्टानों को क्या भू आकृति दी है दोस्तों। देखिए आप, ये पानी ने इन चट्टानों को क्या रचना करी है, देखो दोस्तों अद्भुत अद्भुत। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, ये ज्योग्राफिकल चीज़ है और इसमें रख रखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, इसमें रोशनी की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रोशनी की व्यवस्था होना चाहिए, ये मतलब लाइट की व्यवस्था पर्याप्त होना ही चाहिए। ये देखिए दोस्तों बनावट देखिए, बनावट अद्भुत बनावट है देखिए दोस्तों। और ये पानी ने बनाई है पूरी, जल के कटाव ने, देखो हाँ पूरा पहाड़ी पेटी को ये देखिए दोस्तों। और ऊपर मैं आपको दिखाने पा रहा हूँ, 20 से 25 फीट ऊंचा इसका ऊपर छज्जा, लाइट है, हाँ लाइट है। अब रोशनी पर्याप्त आ गई है दोस्तों, यहाँ पर रोशनी पर्याप्त है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों इस गुफा की विहंगमता, मैं राजीव को एक बार फिर से याद करना चाहूंगा, अगर वो आता तो अपने जीवन का बहुत बड़ा, पूरी गुफा ही पेटी की, बहुत बड़ा उन्होंने अपना अचीवमेंट मिस कर दिया है यहाँ ना आके। ये देखिए दोस्तों, मैं तो कहीं पागल ना हो जाऊं इस गुफा को देख के, बुंदेलखंड में इतनी बढ़िया चीज, लोग उन कहते हैं बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ बुंदेलखंड का। ये देखिए दोस्तों कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों ऐसी गुफा, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ कोई घबराहट नहीं है, ऑक्सीजन की पूरी भरपूर मात्रा है, पूरी ऑक्सीजन यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगी। और अब यहाँ पर मैं अपने आपको बहुत शांत और आत्मा से बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। हमारे साथ है श्री राम गोपाल जी, एक बार कैसा लग रहा है सर आपको? अद्भुत लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे इस गुफा के बारे में? प्रकृति का ये अद्भुत नमूना है और बुंदेलखंड को उपहार है ये प्रकृति द्वारा दिया गया। मगर ये बड़ी सोचने वाली वो है कि मैंने पाठ्यक्रम में और सामान्य ज्ञान में अभी तक इसका इतना नहीं पढ़ा होने कारण लोग यहाँ आते नहीं है, ये जैसा बताया गया है, क्योंकि ये चीज भीमकुंड के से भी बड़ी गुफा है। और इसी तरह की गुफा आगे स्वर्ग पाताल गंगा और जटाशंकर से आगे देखिए दोस्तों, कितना फीट आगे होंगे अपन अभी द्वार से? 150-200 फीट, 200 फीट से मीटर आगे होंगे। और दोस्तों मैं तो बिल्कुल अचंभित हूँ, निःशब्द हूँ इस गुफा को देखकर। मेरे पास शब्द नहीं है इस गुफा के बारे में कहने के लिए कि मैं इस गुफा का क्या वर्णन करूँ, किस व्यक्ति ने इसकी खोज की। ये देखिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये ऊपर भी एक गुफा है आप देख सकते हैं, ये ऊपर गुफा और एक नीचे भी गुफा है। यहाँ श्रद्धालु लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, दो गुफाएं, ये अद्भुत प्रकृति का अद्भुत नजारा आपके सामने दोस्तों। ये एक ऊपर गुफा है और ये बीच में लेंटर टाइप एक चट्टान है जो एक गुफा को दो भागों में बांटती है। ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको और आगे ले चलते हैं। देखिए दोस्तों
अचंभित और निशब्द हो गया हूं मैं यहाँ आके इस गुफा को देख के। दोस्तों, मेरे जहां मैं रहता हूँ टीकमगढ़ से मात्र 100 किलोमीटर दूर यह गुफा थी और मुझे आज तक पता भी नहीं था, हमारे गुरुदेव ने बताया भी नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा मन हो रहा है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊं, अब मैं कहीं नहीं जाता हूं, अब भीमकुंड का प्लान बाद में बनेगा, इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं और राजीव को ही बुला लेते हैं, नहीं तो वो चूक जाएगा तो चूक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस भू आकृति को देखिए दोस्तों, इस भू आकृति को देख के आपके मन में क्या प्रश्न उठता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं बड़े समझ समझ कर चल रहा हूँ, बिल्कुल 90 डिग्री का ये ढलान है दोस्तों, और ये भू आकृति आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए बिल्कुल शिवलिंग, शिवलिंग जैसा। अरे हाथ तो पकड़ो, शिवलिंग जैसा। दौड़ लगा सर, धीरे 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 सुतंत में। देखिए दोस्तों, ये व्हाइट चट्टान से निर्मित ये शिवलिंग आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रकृति द्वारा निर्मित ये शिवलिंग दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल शिवलिंग है ना सर, शिवलिंग है ना, बिल्कुल देखो सर, ये प्रकृति का अद्भुत नजारा। और लगभग लगभग 40 फीट ऊंचा ये छज्जा, और पर्याप्त यहाँ पर आपको कोई सफोकेशन नहीं है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, और इस गुफा के अंदर माँ पीताम्बरा का ये अद्भुत मंदिर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये गुफा 8000 साल पुरानी से कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये माँ पीताम्बरा विराजमान है दोस्तों, ये देखिए, और जबरदस्त ये तो शोध का विषय है, जूलॉजिस्ट लोग जो देखें और करें, ये कितना प्राचीन है ये गुफा, और ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, मेरे ख्याल से ये कटाव जल का कटाव के द्वारा इस गुफा का निर्माण हुआ है, हाँ ये चूना पत्थर गल जाता है उसके द्वारा ये हजारों सालों में ये इस गुफा का निर्माण हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, करोड़ों सालों में इस गुफा का निर्माण हुआ दोस्तों, और अद्भुत अद्भुत है, मैं तो बिल्कुल कोई वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों इस गुफा के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गुप्त गोदावरी, ये देखिए दोस्तों, इस कलाकृति को उभरती कलाकृति, ये क्या है, क्या है, आप क्या इसको देख के क्या समझ सकते हैं, हाँ ऊपर देखो दोस्तों, अद्भुत अद्भुत। मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने गुफा में टूटी फूटी व्यवस्था बनाई, जो ही बनाई है, उनको सबको धन्यवाद देता हूं, जो जम जाती है चूना, हाँ वो ये स्टेनो लाइट और चलिए एक बार पुनः मैं माँ के चरणों में नमन करता हूँ कि माँ इस गुफा में विराजमान है और कई सदियों से विराजमान है और सदियों तक विराजमान रहेगी माँ, और बहुत ही और देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से आदि मानव भी रहता होगा सर यहाँ पे, निश्चित रहता होगा आदि मानव रहता होगा। ऐसी कंदराएं कहाँ मिलती हैं जी, हम कह रहे हैं आपकी गुप्त गोदावरी, बिल्कुल बिल्कुल ये शोध का विषय है, और हम लोग अभी और घूमेंगे, मिट्टी कैसे जम गई, बिल्कुल जम चुकी है ये, बिल्कुल जम चुकी है, बिल्कुल फिसलन नहीं है, बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही है, और जो घबराहट थी हम लोगों का, जो ऊपर जो हो रहा था, जो उमस लग रही थी, बिल्कुल नहीं है, क्यों सर, ये देखिए दोस्तों, और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जीना लगा हुआ है, और हो सकता है ये देखिए एक गुफा और है यहाँ से, देखिए इधर, ये देखिए दोस्तों, ये गुफा और गई है, और ये देखो, देखो दोस्तों, ये पूरा पर्वत, ये आपको किस चीज का, ये तो नाग का सेब लग रहा है, नाग जैसा सेब लग रहा है इसका, देखो गुरुदेव, शेष नाग जैसा सेब लग रहा है, मैं आपको दूर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो दोस्तों, ये जो पूरा छज्जा टाइप का जो है, ये शेष नाग के सेब में मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, ये देखिए, हाँ, ये देखिए दोस्तों, हालांकि हमारी ये कल्पना ही है, कल्पना ही, हाँ ये देखिए दोस्तों, कल्पना करने वाला, हाँ बिल्कुल, और देखो देखिए दोस्तों, हजारों रुपए टिकट खर्च करके आप कैसे स्थान पे जाएंगे, और आप इस जगह निशुल्क आ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये बुंदेलखंड की वो धरोहर है जो ऑल इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, पर्यटन स्थल को होते, हाँ ले लेते बिल्कुल निशुल्क, यहाँ बिल्कुल निशुल्क है दोस्तों, और ये जो गुफा है,
ये जो इसको क्या कहेंगे सर, इसको कंदरा, इस कंदरा का जो क्षेत्रफल है लगभग 1000 स्क्वायर फीट मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 1000 स्क्वायर मीटर कितना होता है दोस्तों देखो। और यहाँ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है इस गुफा के अंदर, बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है चारों। और सबसे बड़ी बात यह है गंध नाम मात्र की भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल गंध नाम मात्र की भी नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये देखिए जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। और हम धीरे 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 गजब की ये गुफा है दोस्तों, 50 मीटर से ऊपर तो चौड़ी है हाँ, और 100 से कम लंबी नहीं है, बिल्कुल 5000 बैठ गए निश्चित फल के ना। तो 5 चलो वापस चले। देखिए दोस्तों ये जो हमें वहां पहुंचना है, मगर यहाँ इतने से आए थे हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं यहीं से आए थे, यहीं से सीढ़ी दिख नहीं रही थी ना। चलिए दोस्तों यहीं से हमने प्रवेश किया था और यहीं से हम निकले हैं, एक रास्ता वो भी है उधर, और हम अपने सही से आए थे अब उतना घूम गए। देखिए दोस्तों इतना अपन गए थे इस तरफ से, हाँ इस साइड से गए थे, इधर से आए अपन लोग अंदर से आए। बहुत ही जबरदस्त है यार, इसका तो प्रचार प्रसार होना ही चाहिए, और निश्चित है ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप सभी के लिए, आप लोग आनंद लें, देखें अपने बुंदेलखंड को, जो एक धब्बा लगा हुआ है बुंदेलखंड पे कि बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, मगर ये कहते हैं गुप्त गोदावरी की जो गुफाएं हैं उनसे कहीं ज्यादा विहंगम ये गुफा है। हाँ और देखो दोस्तों पुनः हम उसका जो शुरुआती छोर है वहां पर हम आ चुके हैं दोस्तों अंदर से घूम के, और भी अभी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए वो भी हम दिखाते हैं। देखिए शुरुआत में मैंने आपको इस शिवलिंग के दर्शन कराए थे, ये शिवलिंग आ चुका है, और ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से हम लोग आए थे ऊपर से, आसमान का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों एक गुफा इसके राइट हैंड में भी है, मतलब दो गुफाएँ यहाँ पर है प्राकृतिक गुफाएँ, एक लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की गुफा कुछ हाँ। चलिए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों इस गुफा के अंदर क्या है। चलिए इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ में आ रही है वो कुछ ज्यादा ही कम समझ में आ रही है उस गुफा की अपेक्षा, फिर भी चल के अंदर देखना पड़ेगा। और ये लगभग 15-20 फीट आकर ये गुफा बहुत सक्रिय हो गई है और गंध भी आ रही है इस गुफा में। इधर से यह रास्ता गांव के लिए, ये जो गुफा बताई गई है यहाँ से गांव के लिए रास्ता जाता है, और अब ये आना जाना यहाँ से बंद है, स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, चमगादड़ है इस वजह से, और साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, कीचड़ भी है, ये चली गई है अंदर तो बहुत पड़ी है। हाँ हाँ नहीं आओ नहीं आओ, इधर ही तक आओ, इधर तक तो आई जा रहा है। ये देखिए दोस्तों बस ठीक है, अरे लग गई सर में यार आ जा, वो तो लगाई गई वो तो लगाई गई, वो छूट रही कीचड़ है, कीचड़ है देखो ये पूरा कीचड़ है, तो साफ सुथरी होती तो हम निश्चित जाते, और ये आगे तक गई है लगभग गांव तक 50 फीट तक हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ का दृश्य। और ये भू आकृति देखिए दोस्तों आप, ये भू आकृति देखिए, ये ऊपर से लगा हुआ है, ये नीचे तक है, अटका हुआ है देखिए, जो भी आप तो जैसे हाथी लग पीछे पीछे तो हाथी, ये देखिए हाथी जैसी ये आकृति देखिए, गजब की आकृति। और यहाँ से तो जाना हुआ ही नहीं, देखो क्या बैठा कुत्ता बैठा हुआ, कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ आराम फरमा रहा है, बहुत कीचड़ है तो हम लोग और आगे तक जाते हैं, हम लोग वहां तक गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना हुआ सर गाँव, कितना हुआ यहाँ से, नीचे गांव है पहाड़ी तलहटी, वहां तक वहां निकला, वहां निकली है पतली। चलिए ठीक है, पानी बहता ना, चलिए दोस्तों ये गुफा भी है मगर अभी बंद है कुल मिला के, वो साफ सफाई का अभाव है और कीचड़ बहुत ज्यादा है। गुफा बताई जाती है कि ये गुफा जाके गांव में मिलती है, गांव में निकलती है, यहाँ से जाते सीधे डायरेक्ट गांव में जाया जा सकता है,
और ये कुत्ता निकला है अभी, देखिए आप गुफा से आराम कर रहा था ये। हो सकता है ये गांव से आया हो, डायरेक्ट कह नहीं सकते, शोध का विषय है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बुंदेलखंड के एक और प्राकृतिक स्थान का दर्शन कराया। इसमें कोई शक नहीं है, हम पचमढ़ी भी गए, पचमढ़ी में इतनी बड़ी गुफा है। देखिए दोस्तों ये इतनी बड़ी गुफा है, ये बनावट देखिए आप, क्या मतलब आकृति के रूप में वो। देखिए दोस्तों बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। चलिए दोस्तों मैंने आपको एक और दर्शनीय स्थल के दर्शन कराए। आप लोग जब भी छतरपुर आए तो बड़ा मरा तहसील पधारें, और बड़ा मरा तहसील के जस्ट पास में ही आपको ये पीतम्बरा गुफा मिलेगी, तो वहाँ ज़रूर आएँ और दर्शन लाभ लें और इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखें, निहारें। और एक बार पुनः मैं सागर रोड पे 12 किलोमीटर दूर, चलिए सर ने पूरा आपको इसकी लोकेशन बता दी है, और मैं यहाँ की लोकल अथॉरिटी जो है उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये प्रकृति द्वारा हम लोगों को प्रदत्त एक अनूठी चीज़ है, और इसका रख रखाव, इसकी व्यवस्था हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रकाश की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था अगर हो जाती है तो यहाँ पर्यटक आए तो उन्हें बहुत सहूलियत होगी। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।